आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के लास्ट लेक्चर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी कि आपके जो किंग्स इंडिया की बुक है उसके अंदर जितने भी एमसीक्यू दे रखे हैं आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3 बेसिक लेक्चर और कर रखा है, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या, तो पहले क्वेश्चन बोल रखा है कि हमने मरकरी ऑक्साइड को क्या क्या हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ यहाँ पे मरकरी और आपका जो मरकरी था उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस निकली है, तो इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा। तो इस तरीके से हमने केमिकल इक्वेशन लिख रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मरकरी ऑक्साइड था, हमने इसको हीट किया, हीट करने के बाद यहाँ पे मरकरी गैस निकली और यहाँ पे एक ऑक्सीजन गैस निकला, तो इस तरीके से हम इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए पे हम करेक्ट लगा देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बैलेंस भी, यहाँ पे 2 मरकरी है, यहाँ भी 2 मरकरी है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन बोल रखा है कि यहाँ पे देखिए हमें इस तरीके से मेंशन था, ये इतनी चीज हमें दे रखी थी, इसको बोला था इसका आगे का इक्वेशन आप लिख के बताओ, तो हमने क्या किया देखिए, हमें पता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्योंकि कॉपर से ज्यादा जिंक जो होता है ताकतवर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये कॉपर हट जाएगा, कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे जो जेडन था यानी कि जिंक था वो आ जाएगा और ये वाली चीज इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इस पर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दूसरे का। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोल रखा है फॉस्फोरस, हमने क्या किया फॉस्फोरस को बर्न किया है इन क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस, देखो फॉस्फोरस को हमने गर्म किया किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। यहाँ पे बोला है कि हमें क्या मिला फॉस्फोरस और पेंटाक्लोरीन मिला है, यानी कि पेंटाक्लोरीन का मतलब समझते हो 5 क्लोरीन मिला है। तो यहाँ पे सिंपल चीज है, आपके पास जितने भी ऑप्शन है आप उसमें से देख लीजिए, यहाँ पे पेंटाक्लोरीन हमें मिला तो इसमें से कौन सा सही होगा, सबसे पहली चीज तो एक मीडियम इन साथ गलत लिखा है यहाँ पे 5 आएगा, तो ये पेंटाक्लोरीन है ना। देखो पहले तो हमने फॉस्फोरस को गर्म किया, यानी कि मेरा मतलब रिएक्शन करवाया, किससे रिएक्शन कराया हमने इसको देख सकते हो बर्न किया किसके साथ, यहाँ पे क्लोरीन के साथ, तो फॉस्फोरस और ये क्लोरीन, ये क्या मिला हमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोरीन मिला, यानी कि 5 क्लोरीन मिले ना, तो जहां पे 5 देखो सीएल के साथ जहां पे 5 ये वाला हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी पे हम करेक्ट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोल रखा है कि कार्बन डाइसल्फेट है, यहाँ पे बोला इसको हमने बर्न किया, किसमें बर्न किया एयर में टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और सल्फेट डाइऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो ये देखिए ये हमारे पास क्या था कार्बन डाइसल्फेट है और यही हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है, यानी कि एयर में हमने बर्न किया तो ऑक्सीजन में तो बर्न होगा नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला और यहाँ पे बोल रखा है इन्हें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये हो गया बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कार्बन यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना देख सकते हो 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 6 है ना, 1 सेकंड, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास कितना है यहाँ पे 2 और ये 4, तो ये तो इक्विवेलेंट 6 और ये 2 और ये 4, सही है यहाँ भी ये 2 आएगा ना इस तरीके से, सॉरी ये इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, तो हमने यहाँ पे लगा देंगे इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से बस आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, बैलेंसिंग आता है तो बहुत आराम से आप कर ले जाओगे। अगला देखो इन्होंने क्या मेंशन किया है, तो अगला बोल रखा है फिफ्थ नंबर में बोला कि द रिएक्शन इन विच वन सबस्टांस ब्रेक्स इंटू 2 और मोर सिंपल कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे बोला कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है आपका, जिसके अंदर एक सबस्टांस जो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या फिर 2 से ज्यादा सिंपल कंपाउंड, तो इसका क्या नाम होगा, तो इस रिएक्शन का नाम बताना है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिख देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोजिशन में से तो टूट जाता है ना, डिकम्पोजिशन में जैसे ए बी है तो ए बी टूट के क्या हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। यहाँ पे छठा क्वेश्चन, छठे में बोला है कि द इन विच रिएक्शन हीट इज इन्वॉल्व, किस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रखा है इन विच रिएक्शन हीट इज ऑब्जर्व, अब किस रिएक्शन में हीट जो होती है ऑब्जर्व हो जाती है, मतलब कि ऑब्जर्व्ड हो जाती है पूरा, यानी कि सोखती है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या है एंडोथर्मिक, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी एंडोथर्मिक। आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन बोला गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन करना क्या होता है ये किसी भी सब्सटेंस के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सिंपल बात है बी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, रिडक्शन होता है। अगला देखिए यहाँ पे मेंशन 9th नंबर का, तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन गेन होता है या फिर ऑक्सीजन का गेन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या फिर नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हाइड्रोजन वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन होता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। उसका 10वां देखिए, तो 10वें क्वेश्चन में आपके पास क्या मेंशन है कि क्लोरीन और आपके पास इस तरीके से दे रखा है, ये कौन सी रिएक्शन आपको बताना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 10वां वाला, तो यहाँ पे देखिए 10th नंबर पे आपके पास क्या मेंशन है, तो 10th नंबर का है इन्होंने मेंशन किया है कि Cl2, ठीक है, और यहाँ पे क्या 2Ci और ये इस तरीके से हमारे पास बन गया 2Ca2KCl और यहाँ पे देख सकते हो प्लस में I2, तो आपको बताना है किस किस चीज़ का एग्जांपल है, कौन सा रिएक्शन ये, तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पे देखो पहले पूरा इस तरीके से था, अब ये जो क्लोरीन है वो यहाँ पे आ चुका है और ये चीज़ अलग हो चुकी है, तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी शायद आएगा, हाँ बिल्कुल सही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला देखिए हमारे पास 11वां क्वेश्चन, तो 11वें क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि ये था हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे हीट दिया इसको,
इस तरीके से हीट दिया, हीट देने के बाद इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गया जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको बताने की कौन सी रिएक्शन है, तो आपको पता ही कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन, क्योंकि एक चीज टूट गई है ना दो चीजों में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगला देखिए नेक्स्ट के बाद 12, तो 12वें क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने, बोला कि ये आपके पास NH3 है प्लस में HCl है और ये पूरा मिलकर क्या बन गया आपके पास, इस तरीके से आपके पास ये बन चुके हैं। तो ये कौन सी चीज का एग्जांपल है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, डिस्प्लेसमेंट का है या फिर डिकम्पोजिशन का है? तो कॉम्बिनेशन का है, कॉम्बिनेशन में ए और बी दोनों जुड़ते हैं, मिलते हैं और क्या बन जाते हैं, ए बी बन जाते हैं, तो ये हम इस पर टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें करना, तो 12 तक हो चुके। आगे देखिए अगला क्या हमारा 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो पहला वाला ही दिख रहा है हमें, क्योंकि देखो पहला वाला जो है वही होगा, पहले वाले को हम चेक करते हैं। 13 था ना ये, 13वें का देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे HCl प्लस में NaOH है और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है NaCl है और फिर प्लस में क्या है H2O है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ है, पहले हमारे पास ये H था और यहाँ पे देखो हमारे पास NaOH था, ये देखो ये कैल्शियम जो इसके साथ जुड़ गया, यानी कि Na के साथ Cl जुड़ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो था हमारे पास ये मेरा मतलब क्लोरीन जुड़ गया ना इसके साथ, यहाँ पे देखो Na और ये क्लोरीन इसके साथ और ये दोनों चीज़ आपस में लगा गया, इनकी वाटर निकल गया, तो इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम किस पे टिक लगा देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि सॉरी मेरा मतलब डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी, यही वाली होगी, तो ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट लगा देंगे। अगला देखो 14 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है देखिए, तो जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है इन्होंने बोला है कि हमें दे रखा है M3MnO2, फिर उसके बाद हमारे पास 4Al है, इसमें क्या मिला हमें 3Mn मिला और प्लस में 2Al2O3 मिला। यहाँ पे बोला इनने कि किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, किस सब्सटेंस का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन बताओ आपको कहाँ दिख रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन था इसके पास, अब देखो इधर तो हट गया है ना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन सब्सटेंस मेरा मतलब है रिडक्शन कौन सा हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन हटा है। तो इस वाली चीज़ का हम नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा आपके पास, MnO2, इसका रिडक्शन हुआ है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। इसका रिडक्शन हुआ है ना, क्योंकि इस उधर देखो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो इसका रिडक्शन हुआ, इस पर हम टिक लगा देंगे। बिल्कुल इस तरीके से करना था। अगला देखो उसके बाद हमारे पास कौन सा है, 15वां में बोला है कि कौन सा सब्सटेंस जो है, जैसे हम 15वां क्वेश्चन लिखते हैं, तो 15वें में हमें दे रखा है कि जेड प्लस में Ag प्लस, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे ZN++ है, ठीक है, प्लस में Ag है। यहाँ पे बोला कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन सब्सटेंस का नाम बताओ, सब्सटेंस का नाम बताओ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जिंक, अभी ऊपर देखना इलेक्ट्रॉन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, लूज कर देते हैं, तब भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो ये साइन है, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, अभी इसने एक भी नहीं दिया, इसने न्यूट्रल है पूरा। अब यहाँ पे देखो इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब प्लस प्लस का साइन, इसका मतलब दे दिए दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन को लेते हैं तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन को छोड़ते हैं तब भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तीन डेफिनेशन बताई थी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो जिंक का हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16वें का, आई थिंक 16वां था, 15वें का आपके पास है जिंक, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन, तो अगर हम 16वें नंबर का क्वेश्चन करें तो किस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है आपको बताना है यहाँ पे। तो पहले हम लिख लेते हैं सब्सटेंस का नाम, तो यहाँ पे देखिए कौन सा था हमारे पास, 16वां। तो क्वेश्चन नंबर 16वां देखो, क्वेश्चन नंबर 16वें बोला है हमसे क्या क्या है, ये Fe2 और फिर O3 है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3CO2 है और फिर ये हमारे पास क्या है 2Fe है प्लस में 3CO2 है। इन्होंने बोला कि किसका आपके पास यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है जहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो इसके पास ऑक्सीजन था 3, अब यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो इसी का तो रिडक्शन हुआ, तो हम लिख देंगे रिडक्शन किसका हुआ है हमारे पास, तो Fe2O3 का इसका रिडक्शन हुआ है। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टाइप के, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने लगा दिया। अगला देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा इनमें से, 17वें क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि बर्निंग ऑफ मेटल, क्या बर्निंग ऑफ मेटल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि चीज़ें जुड़ जाती है ना आपस में, जैसे ए बी है, ए बी जुड़ के क्या बन जाएगा, देखो ए प्लस बी है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बी बन जाएंगे। तो यही बताना है इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे मेंशन है बर्निंग ऑफ मेटल, तो बर्निंग ऑफ मेटल या फिर यहाँ पे लिखा है एक्सक्रेशन ऑफ मेटल, या फिर ये लिखा है आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है हमारे पास नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ मेटल होगा, मेटल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो इस पर टिक लगा देंगे। अगला देखिए, अगला इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा, तो पहले इतना नोट कर ले फिर मैं आगे बताता हूँ, तो प्लीज़ पहले इतना नोट करें, प्लीज़ नोट।
वेल स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना 18वां क्वेश्चन। तो देखिए 18वें क्वेश्चन बोला कि इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है रिएक्शन को। तो यहाँ पे हमें यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यों? क्योंकि ए भी था और यहाँ पे एक्स वाई था। ये जो ए था वो किसके साथ आ गया? एक्स के साथ। और ये बी जो था किसके साथ आ गया? वाई के साथ। तो यहाँ पे एक्स बन गया और ये बी वाई बन गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास कौन सा 19वां। तो 19वें नंबर पर क्या बोल रखा है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू फोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए सही नहीं है परिभाषा? पहले लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो होगा ही होगा। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तीसरा ऑप्शन है। तो देखो आपका क्या होता है, पहली चीज तो ये कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, गेन करो अगर ऑक्सीजन को तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करो तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही होगा। तो पहला और तीसरा तो सही है। यहाँ पे लिखा है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, ये भी ऑक्सीडेशन ही होता है। लेकिन गेन करना इलेक्ट्रॉन को, ये ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे हम बी पे टिक लगा देंगे। तो 19वें का क्या जाएगा? बी। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे 19वें का हम बी के टिक, बी पे टिक लगा देंगे। अगला क्या है हमारे पास 20वां क्वेश्चन। देखिए 20वें क्वेश्चन में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू फॉर एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो हो गया था, ठीक है, मेरा मतलब था 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन बोल रखा है कि किस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन का मेरा मतलब है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पे हम देख लेते हैं, जो दूसरा आपको इक्वेशन दिख रहा है इसके अंदर, जैसे हमारे पास लिखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। अब ये इस तरीके से हुआ है, ये देख सकते हो कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे H2O हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पूछा है, किसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किस रिएक्शन में हुआ है? तो बी वाले रिएक्शन में हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया ना हाइड्रोजन का, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है 21वां। 21वें बोला कि इनमें से बैलेंस केमिकल रिएक्शन कौन सी है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी वाला। बी वाला बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि CH4 है, मिथेन है, प्लस में यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये क्या बन गया आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस में वाटर बन गया। तो ये हमारा बिल्कुल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे कार्बन देखो कितना एक है, इधर देखो कार्बन कितना एक है, यहाँ पे देखो ये कितना हाइड्रोजन चार है, इधर हाइड्रोजन कितना आपके पास है चार है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपके पास चार है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो दो, और यहाँ भी आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए दो, कितने हो गए चार। तो ये वाला हमारा करेक्ट आ जाएगा, बैलेंस है ये पूरा। उसका देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इन्होंने बोला विच वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है, यानी कि आप देखो हम लिखते हैं 22वां क्वेश्चन, तो इनमें से एक्सोथर्मिक बताना है आपको। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको बताना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहला आपका ऑप्शन दे रखा है इस तरीके से आर प्लस में हीट, हमें क्या मिला? प्रोडक्ट। ये तो नहीं होगा, एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है ना शायद, तो एक्सोथर्मिक में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्शन माइनस में हीट इक्वल्स टू ये। तो ये वाला यहाँ पे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप देख सकते हो रिएक्शन माइनस हीट ये तो बिल्कुल भी नहीं है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके साथ, जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रहा होता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आएगा। तीसरे वाले में देखो हमारा रिएक्शन प्लस यहाँ पे क्या है आपके पास, हीट आया है और ये हमें क्या दिया है, सॉरी मेरा मतलब था रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन हुआ इसमें क्या निकला आपके पास, प्रोडक्ट प्लस में हीट निकला। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, तो तीसरे पर हम टिक लगा देंगे, राइट, तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 23वें नंबर का। तो 23वें नंबर में आपका क्या मेंशन है, 23वें बोला कि मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? तो मोलैरिटी आपका होता है नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना। मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू होता है हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये ऊपर आएगा आपका सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद ही कर लेना इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा सी वाला ऑप्शन इस करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख एक बार चेक करना चाहेंगे 23वें का बिल्कुल सही है, 23वें का सही, राइट। अगला देखिए इन्होंने बोला कि इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है 24वें वाले क्वेश्चन में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बताइए? तो अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें, तो एंडोथर्मिक में हमने हीट देनी पड़ती है, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन प्लस में हमने हीट दिया, तो क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहला वाला ही सही है, क्योंकि इसमें हीट देनी पड़ती है ना, इसलिए करेक्ट हो। अगला देखिए हमारे पास कौन सा है 25वां। तो 25वें क्वेश्चन बोला कि इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। अब एक बात तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका चौथा होगा, तो एक बार हम लिख लेते हैं 25वां। देखिए 25वां है यहाँ पे, 25वें में देखिए यहाँ पे हमारे पास डी वाला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे हम इसको मेंशन करते हैं, तो Fe2 और यहाँ पे O3 है, प्लस में यहाँ पे क्या 2Al है, फिर हमने इस तरीके से लिख रखा है इसे Al2 और यहाँ पे O3 है, फिर उसके बाद क्या हमारे पास 2Fe है। अब एक बात बताऊँ, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन चला गया, तो इसका मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हुआ है आपके पास रिडक्शन। तो ये हमारा कौन सा हुआ है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए इस एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब आ चुका है, तो ये क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। 25वें के बाद देखिए 26वां। 26वें बोला कि विच इज नॉट ट्रू फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, पहला यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, इसके ऊपर टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे 26वें का बी हो जाएगा, तो 26वें का हम बी लिखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे 27वां। 27वें बोला कि विच इज अ रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज
ऑक्सीडाइज, और अदर जो होता है दूसरा वो रिड्यूस्ड होता है। तो इसका नाम बताओ, आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अगला देखो 2800 में बोला कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक पैलेस व्हेन, ये देख सकते हो ये इज हीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है इनने कि अगर हम NH4CNO, ये इस तरीके से अगर हम इसको हीट करें, तो हीट करने के बाद यहाँ से कौन सी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, हमें पता है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, ये वाली ए जो दे रखा है हमें, आइजोमेरिजन, तो ये एक्सोमेरिजन रिएक्शन होगा, इसको याद ही कर लेना आप। अगला देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 29, तो अगर हम 29 की बात करें तो एक आध क्वेश्चन ना ये 12th के हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप याद भी कर सकते हो, ये एक आध क्वेश्चन जो है 12th के, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वें के बाद, नहीं 27वां हो चुका है आपके पास, ये 28वां था आई थिंक, 28वां तो जो मैंने अभी आपको लिखवाया ये 28वां था, 28वें के बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या 29वां में बोला कि एक्सोथर्मिक, यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्सोथर्मिक चेंज, इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक चेंज को बताता है, तो एक्सोथर्मिक क्या होता है जिसमें हीट निकलती है, तो यहाँ पे पहला ही दे रखा है इसका ऑप्शन, तो शायद पहला वाला ही करेक्ट हुआ 39वां में, जैसे ए प्लस बी यहाँ पे रिएक्शन हुआ, क्या बना हमारे पास प्रोडक्ट बना सी प्लस में डी, और यहाँ से क्या निकल के आया हीट निकल के आया, तो पहला वाला ही ट्रू होगा, एक्सोथर्मिक है ये। अगला देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्होंने बोला कि आइसोमेरिज्म रिएक्शन क्या होता है, तो आइसोमेरिज्म रिएक्शन इसको छोड़ दो, आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है उसको छोड़ दीजिए अभी, उसको बाद में कर लेंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये अभी आगे जो चैप्टर्स होंगे ना उसके अंदर हम कर लेंगे, जब आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला कि विच वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे बोला कि इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ती है, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे किलो जूल लास्ट में देखो आपके पास लिखा हुआ है, अगर हम इसमें देखेंगे तो 31वें वाले में तो ये आपके पास H2 है, प्लस में I2 है, फिर यहाँ पे क्या निकला है 2HI निकला है, और यहाँ पे माइनस हुआ है इतना, मतलब इतनी एनर्जी चली गई है, मतलब इतना हीट रिलीज हुआ है, किलो जूल है ना, इतना हीट रिलीज हुआ है, माइनस कराया ना इसको, तो इसका मतलब हीट गई है। अगर हीट चली जाए, अगर हीट वहाँ पे देनी पड़े हमें, यानी कि हीट लगी है इसके अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एंडोथर्मिक होगा, तो इसलिए हम इस पर टिक लगा देंगे बी वाले पे, तो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला इसका, तो मैंने बताया था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन, और यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि अगर हम बात करें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं, तो नीचे तो टाइम ही आएगा, तो यहाँ पे ए और सी इज करेक्ट, तो ए और सी पे हम करेक्ट लगा देंगे डी वाला ऑप्शन। अगला देखिए 33वां में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट डिस्टर्ब द इक्विबेरियम पॉइंट, यहाँ पे बोल रखा है इनमें से कौन सा जो है वो इक्विबेरियम पॉइंट को डिस्टर्ब नहीं करता, तो आपको याद रखना है कैटेलाइज होगा, यहाँ पे कैटेलाइज होगा, ठीक है, इसमें हम ए वाला ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। अगला देखो हमारे पास क्या है 34 नंबर में बोल रखा है कि विच इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस, ऐसी रिएक्शन का नाम बताओ जिसके अंदर से ऑक्सीजन निकल जाता है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा। अगला देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वही फॉर्मूला पूछ रहा है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे रिएक्टेंट भी लिख सकते हो प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे ए और बी दोनों आ जाएगा। अगला देखो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, तो मैंने बता रखा आपको मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो इस पर हम टिक लगा देंगे, आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या फिर दोनों हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ए वाले पे हम करेक्ट लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 37 का ए। उसके बाद देखो यहाँ पे बोल रखा है मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, बताया था मैंने आपको मोल पर लीटर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे मोल पर लीटर, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये मोल ऊपर आता है सॉल्यूट का, नीचे आपका क्या होता है यहाँ पे नीचे आपका वॉल्यूम होता है, तो इसलिए हम इसको कर दिया यहाँ पे मोल पर लीटर आ जाएगा। अगला देखो इसने बोल रखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसने बोला कि इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा है, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस वही होगा जो केमिकल मतलब कि जिस जो एसिडिक जो है ना एसिडिक नेचर जिसका ज्यादा होगा, मतलब बहुत तगड़ा होगा, तो यहाँ पे NaCl दे रखा है, फिर H2SO4 दे रखा है, या फिर यहाँ पे दे रखा है हमारे पास NHO3 दे रखा है, ये तीनों ही होंगे, तो इसलिए हम ऑल ऑफ अब पे यानी कि डी वाले ऑप्शन पे करेक्ट लगा देंगे। अगला देखो इन्होंने 40वें नंबर पे बोल रखा है कि Ag है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो AgNO2, ये इन्होंने बोला ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो एक बार हम कर लेते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ से, तो हमने इसको इरेज किया। अगला क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, तो ये सिर्फ जो था ना ये जितने भी क्वेश्चन थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बस इसी टाइप के आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो अगला देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें 40वें क्वेश्चन की, तो 40वें क्वेश्चन में इन्होंने पूछा वन सेकेंड, हाँ तो ये देखिए, हाँ तो अगर हम 40वें क्वेश्चन की बात करें, तो 40वें क्वेश्चन में आपका क्या मेंशन है, देखिए 40वें क्वेश्चन बोला कि AgNO3 फिर प्लस NaCl है हमारे पास, फिर इसने हमें क्या दिया है यहाँ पे AgCl दिया है, और फिर प्लस में हमारे पास कितना है NaNO3 दिया है,
इन्होंने बोला है कि ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल है। तो आप देख सकते हो एजी के पास क्या आ गया, आपके पास सीएल आ गया और इस चीज़ के पास ये वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 41वां में बोला है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का जुड़ जाना ऑक्सीजन का अलग हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका नाम होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे हम बी पे टिक लगा देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अगला देखिए 42वां में क्या बोला है कि द रिएक्शन विच अकर इन फ्यू मिनट इज कॉल्ड, ऐसा रिएक्शन जो बहुत मतलब कुछ टाइम में हो यानी कि कुछ मिनट में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे बी पे करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने, अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने आपको कराया भी है इक्विलिब्रियम, ये इन्होंने बोला है कि 43 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, इसका क्या होगा, एम ए प्लस, ये इक्वेशन दे रखी है हमें यानी कि एक रिएक्शन की इस तरीके से क्यू डी, इसका केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे सी, ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है इस तरफ जो भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी, इसकी पावर पी हो जाएगी, यहाँ पे हम डी लिखेंगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी क्यू, तो प्रोडक्ट वाली साइड का हम लिख दे, फिर हम यहाँ लिखना है तो हम लिख देंगे ए और इसकी पावर कितनी हो जाएगी एम, फिर हम लिखेंगे बी और इसकी पावर कितनी हो जाएगी एन, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा सी वाला ऑप्शन इस करेक्ट, तो सी पे हम टिक लगा देंगे। 44वें नंबर का देखिए, तो 44वें नंबर की बात करें तो द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मेंशन है टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, या फिर केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर, तो किस पे करता है ये, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे हम डी पे लगाते हैं ऑल ऑफ दिस पे। अगला देखो हमारे पास क्या बोल रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन का ऐसे यूनिट का, तो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देख रखी है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता रखी है, जैसे आपके पास ये जो आए थे केमिकल इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन आया था, इसको भी मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था, और रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सभी चीज़ों को मैंने बता रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर देख लेना, तभी आपको सारी चीज़ सही तरीके से समझ में आएगी। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी, और किंग्स इंडिया की बुक की पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।